नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। देश की सबसे पुरानी पार्टी और उसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी से ऐसे बयान की उम्मीद किसी को नहीं थी जो उन्होंने हाल में दिया। 15 साल तक उत्तर प्रदेश के अमेठी से सांसद रहे राहुल गांधी ने एक झटके में अमेठी के साथ साथ उत्तर भारत को पराया कर दिया। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने उत्तर और दक्षिण के बीच खाई पैदा करने की कोशिश की। केरल दौरे पर गए राहुल गांधी ने अमेठी की तुलना वायनाड से कर दी। राहुल गांधी ने कहा कि दक्षिण के लोगों को मुद्दों की अच्छी समझ होती है। तो क्या 15 साल तक राहुल गांधी को सांसद बनाने वाले अमेठी के लोग उन्हें नासमझ नजर आते हैं? राहुल गांधी के विवादित बयान पर सबसे तगड़ा अटैक किया है केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने, जिन्होंने राहुल गांधी को एहसान फरामोश बता दिया। तो राहुल गांधी से जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है, उस तरीके के बयान की राहुल गांधी से अपेक्षा नहीं की जा सकती। 15 साल तक वो उत्तर भारत के ही अमेठी जिले से सांसद रहे हैं और उसके बावजूद इस तरीके का बयान थोड़ा हैरान करता है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं राहुल गांधी ने कैसे नॉर्थ इंडिया की तुलना साउथ इंडिया से करते हुए बंटवारा पॉलिटिक्स की। फॉर द फर्स्ट 15 इयर्स आई वाज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द नॉर्थ, सो आई हैड गॉट यूज्ड टू अ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिक्स एंड फॉर मी कमिंग टू केरला वाज वेरी रिफ्रेशिंग बिकॉज सडनली आई फाउंड that people are interested in issues and not just superficially but going into detail in issues. For the first 15 years I was a member of parliament in the north, so I had got used to a different type of politics and for me coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues and not just superficially but going into detail in issues. मतलब राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं कि 15 साल में पहली बार उनको यह एहसास हुआ कि लोग मुद्दों में रुचि रखते हैं। क्या अमेठी की जनता मुद्दों में रुचि नहीं रखती थी? राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के तकरीबन हर छोटे बड़े नेता ने अटैक किया है। आपको सबके रिएक्शन एक एक कर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले केंद्रीय मंत्री और राहुल गांधी को हराकर अमेठी में सांसद बनी स्मृति ईरानी का स्टेटमेंट आपको दिखाते हैं। स्मृति ईरानी ने ट्विटर पर लिखा, एहसान फरामोश, इनके बारे में तो दुनिया कहती है थोथा चना बाजे घना। स्मृति ईरानी ने अटैक किया तो उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा, कुछ दिन पहले ये उत्तर पूर्व में थे और पश्चिमी भारत के बारे में जहर उगल रहे थे, आज दक्षिण में उत्तर के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। बांटो और राज करो की नीति नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी, जनता ने इस राजनीति को खारिज किया है, देखिए गुजरात में क्या हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल गांधी पर हमला किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये आपको बताते हैं राहुल जी, सनातन आस्था की तपस्थली केरल से लेकर प्रभु श्री राम की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश तक सभी लोग आपको समझ चुके हैं। विभाजनकारी राजनीति आपका राजनीतिक संस्कार है। हम उत्तर या दक्षिण में नहीं, पूरे भारत को माता के स्वरूप में देखते हैं। श्रद्धेय अटल जी ने कहा था कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। कृपया आप इसे अपनी ओछी राजनीति की पूर्ति के लिए क्षेत्रवाद की तलवार से काटने का कुत्सित प्रयास ना करें। भारत एक था, एक है, एक ही रहेगा। भारत माता की जय। दक्षिण भारत से आने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी राहुल गांधी के बयान पर हमला बोला। एस जयशंकर ने कहा कि मैं दक्षिण भारत से हूं, मैं पश्चिमी भारत के एक राज्य से सांसद हूं, मैं उत्तर भारत में पैदा हुआ, शिक्षा ली और उत्तर भारत में ही काम किया। मैंने दुनिया में पूरे भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत एक है, कभी भी किसी क्षेत्र को नीचा मत दिखाओ, कभी भी हमें मत बांटो। राहुल गांधी का बयान वाकई बेहद आपत्तिजनक है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे राहुल गांधी की बांटने वाली मानसिकता करार दिया। जहां जहां पांव पड़े राहुल के, तहां तहां बंटा ढार, कांग्रेस का बंटा ढार। पहले उत्तर कांग्रेस मुक्त कर दिया, अब भैया दक्षिण की तरफ चले हैं। लेकिन राहुल जी हमारे लिए, देश की जनता के लिए
पूरा देश एक है, उत्तर हो दक्षिण हो पूरब हो पश्चिम हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अरे हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। भोपाल हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। लेकिन ये ब्राउन ने उनकी बांटने वाली मानसिकता बोल रही है। ये वो ही कांग्रेस थी जिसने धर्म के नाम पर पहले भारत और पाकिस्तान में देश को बांट दिया, और अब उत्तर और दक्षिण में बांटने चले। जनता ऐसे प्रयासों को सफल नहीं होने देगी। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है, राहुल गांधी ने 15 साल अमेठी उत्तर प्रदेश के वो सांसद रहे हैं, यहीं से राजनीतिक सफर शुरू होता है, और आज केरला में जाकर आप उत्तर भारत और अमेठी के लोगों की बुराई करते हैं और कहते हैं कि वो जो मुद्दे हैं मुद्दे नहीं उठाते, उनको किसी और चीज़ में लोभ रहता है, और केरला के लोग खाली मुद्दे उठाते हैं, इश्यूज को पकड़ते हैं। तो ये जो आपने खेल करने की कोशिश कर रही है नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने की, ये अंग्रेजों की नीति रही है, एक ये भारतीय संस्कृति नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसके लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ, एक ही शब्द आता है कि आप अमेठी की जनता के साथ एहसान फरामोश बन रहे हैं।